हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लिक जॉब। इस चैनल में हम जॉब रिलेटेड रेगुलर अपडेट लेके आते रहते हैं, इसलिए आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जॉब रिलेटेड कोई भी अपडेट हम लेके आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आज एक नया नोटिफिकेशन लेके आया जो अग्निपथ है, जिसके बारे में आजकल बहुत न्यूज़ चल रहा है। ये अग्निपथ स्कीम क्या है, जो सेना में भर्ती के करने के लिए सरकार ने एक नया स्कीम लागू किया, इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन भर्ती हो सकते हैं, आपको कितना सैलरी उसमें मिलेगा, कितने टाइम के लिए ये नौकरी आपको मिलेगा, ये पूरा डिटेल में बताएंगे। पूरा जानकारी समझने के लिए उसको पूरा प्रोसेस को आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अभी हम इसके बारे में डिटेल में बताना शुरू करेंगे। ये जो स्कीम लेके आया सरकार ने अग्निपथ, ये स्कीम का नाम है अग्निपथ। ये इंडियन आर्म फोर्स में जैसे एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में भर्ती के लिए एक नया स्कीम है ये अग्निपथ। अग्निवीर टू बी एनरोल अंडर रेस्पेक्टिव सर्विस एक्ट फॉर 4 ईयर्स, इसमें क्लियर लिखा हुआ है। इसमें आपको 4 ईयर्स के लिए ही जॉब मिलेगा। इसमें आप अट्रैक्टिव मंथली पैकेज उतरी, जिसमें आपको जो मंथली पैकेज क्या क्या मिलेगा, जो हार्डशिप अलाउंस भी मिलेगा, उसके बारे में अभी बताएंगे। इसमें देख लीजिए पुटेल, 46,000 वैकेंसी है, 46,000 वैकेंसी है अग्निवीर का। इस साल में यह भर्ती किया जाएगा 46,000 लोगों को। आर्म फोर्स में यह सिर्फ है, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए सिर्फ यह पोस्ट है। ये देख लीजिए, ये जो अग्निपथ, ये जो योजना लागू हुआ है 14 जून 2021 को, ये कैबिनेट में मंजूरी दे दी, इसको अप्रूव कर लिया गया, इसको अग्निपथ योजना को। इसके बारे में अभी देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। अगर जो लोग 4 साल के लिए इसमें भर्ती होना चाहते हैं, वो इसमें भर्ती हो सकता है। इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा इसके बारे में बता देते हैं। इसमें आपको देख लीजिए, जो एट्रैक्टिव आपको मंथली पैकेज एक मिलेगा, साथ में आपको रिक्स हार्डशिप अलाउंस भी मिलेगा, गवर्नमेंट का होगा, इसके बारे में अभी हम डिटेल में बताएंगे। ये देख लीजिए, जो फर्स्ट ईयर में आपका सैलरी रहेगा 30,000 रहेगा, फर्स्ट ईयर में आपका सैलरी 30,000 रहेगा। इसमें आपको 21,000 आपको बाई इन हैंड मिलेगा, और 9,000 आपका खाते में जमा हो जाएगा, जो कंट्रीब्यूशन फंड है उसमें जमा हो जाएगा। आपका 9,000 जमा होगा, सरकार इसमें 9,000 कंट्रीब्यूट करेगा, जो आपको 4 साल के बाद जब आप वापिस आ जाएंगे तब आपको ये पूरा पैसा मिल जाएगा। सेकेंड ईयर में आपको 33,000 मिलेगा टोटल, इसमें 23,100 आपको इन हैंड मिलेगा, 9,900 आपको कंट्रीब्यूट में जाएगा। थर्ड ईयर में आपको 36,500 मिलेगा, इसमें 25,580 आपको इन हैंड मिलेगा, और 10,950 आपको कंट्रीब्यूट हो जाएगा। लास्ट ईयर में आपको 40,000 मिलेगा सैलरी, इसमें 28,000 आपको इन हैंड मिलेगा, और 12,000 आपका कंट्रीब्यूट में जाएगा। इस हिसाब से आप जो 4 साल में जमा करेंगे, आपका अमाउंट होगा 5,02,000। ये 4 साल के बाद आपको लमसम जो अमाउंट मिलेगा 11,71,000 रुपीस आपको ये इन कैश में मिलेगा। इसके बाद ये जो अमाउंट आपको मिलेगा, इसमें कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ये इनकम टैक्स फ्री है। इसके बाद इसमें और भी फैसिलिटी आपको दिया जाएगा। इसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा, 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा। वो कवर अब जब तक आप 4 साल वहाँ नौकरी पे रहेंगे तब तक के लिए ये लागू रहेगा, 48 लाख की जो इंश्योरेंस। इसके बीच में आपको सेना की बहुत सारे ट्रेनिंग दिया जाएगा, और 6 महीना के ट्रेनिंग के बाद आपको सेना की जो भी ड्यूटी दिया जाएगा वो करना होगा।
सेना में। ये मेन मेन चीज था इसमें, ये मेन मेन चीज था। इसके बाद और देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसके बाद इसमें जो आपको एज लिमिट रहेगा, एक 17 साल 6 महीने से आपको 21 साल तक एज के जो लोग है वही इसमें भर्ती हो सकता है। 4 साल के बाद 25% लोगों को परमानेंट कर दिया जाएगा उनका 4 साल के परफॉर्मेंस के हिसाब से। और जिनको परमानेंट कर दिया जाएगा उनको फर्दर 15 ईयर्स का नौकरी करना पड़ेगा और उनको फुल बेनिफिट्स मिलेगा। जितना भी सेना में जितने सारे फैसिलिटी जो भी मिलता है सब कुछ फैसिलिटी उन 25% लोगों को मिलेगा जो परमानेंट हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।